इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में स्टार्ट मेनू किस तरह ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभी मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि इसके पीछे का कुछ हमें दिख नहीं रहा है। स्टार्ट मेनू के पीछे क्या है स्क्रीन पर वो हमें नहीं दिख रहा है। तो हमें ट्रांसपेरेंट करना है स्टार्ट मेनू, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चलिए देखते हैं। आपको स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है माउस से, फिर आपको जो है पर्सनलाइज पर क्लिक करना है और फिर आपको कलर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा मेक स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट, आपको इसे ऑन कर लेना है और फिर आपको क्लोज करना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसके पीछे TO ये लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह आप स्टार्ट बटन ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं लैपटॉप में।